में पुलिस ने इनामी बदमाश वसीम को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्कर के पास से एक गाड़ी, एक मवेशी और एक तमंचा कारतूस बरामद करते हुए उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पकड़ा गया शातिर बदमाश वर्ष 2015 में थनोरा क्षेत्र में भी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हो गया था, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। शातिर बदमाश पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि पकड़े गए तस्कर का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। ये आज रात्रि में थाना हसनपुर की पुलिस जब चेकिंग कर रहे थे तो एक सेंट्रो गाड़ी बहुत तेजी से उनको बैरियर तोड़ते हुए भागी, जिस पर कि पुलिस ने पीछा किया। पुलिस के पीछा करने पर उस सेंट्रो गाड़ी में सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक युवक को गोली लगी, जो कि गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी प्राप्त हुई है और एक गाय भी थी उसमें, वो भी पुलिस ने बरामद की है। कुछ गाय काटने के उपकरण थे वो बरामद हुए हैं। इस घटनाक्रम में एक साथी जो था अभियुक्त का, वो भागने में कामयाब हुआ है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जो युवक पकड़ा गया है उसने अपना नाम वसीम बताया है, जो कि बिजनौर का रहने वाला है और ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है और एक दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं इस पर। ये ऑलरेडी थाना धनौरा के एक मुकदमे में वांछित चल रहा है और इनामी बदमाश है। पूर्व में भी इसने 2015 में पुलिस के ऊपर हमला किया था, जिसमें कि उन्हें जान से मारने का प्रयास किया था। यूपी के